टीममेट चेक और मेट का खेल जारी है। नीतीश कुमार के बहुमत साबित करने से पहले जेडीयू और बीजेपी विधायकों में टूट का दावा किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि बीजेपी और जेडीयू के कुछ विधायक आरजेडी के संपर्क में हैं। सूत्रों के मुताबिक 12 फरवरी को होने वाले फ्लोर टेस्ट से पहले नीतीश कुमार की जेडीयू में टूट संभव है। दावा किया जा रहा है कि जेडीयू के एक दर्जन से अधिक विधायक लालू यादव और तेजस्वी यादव की रडार पर हैं। वहीं टूट की संभावना सिर्फ जेडीयू में नहीं बल्कि भाजपा में भी है। सूत्रों के मुताबिक भाजपा के 6 और जेडीयू के एक दर्जन से ज्यादा विधायक फ्लोर टेस्ट से गायब रह सकते हैं। आरजेडी ने अपने सभी विधायकों को एकजुट कर लिया है। कांग्रेस विधायकों को भी पटना बुला लिया गया है। तो वहीं विपक्ष के विधायक ने जीतन राम मांझी से मुलाकात की है और दावा किया है कि खेला होना तय है। फ्लोर टेस्ट के एक दिन पहले ये अंतिम रात नीतीश कुमार पर सबसे भारी बीतती दिखाई दे रही है। कहा जा रहा है कि सभी पार्टियां अपने अपने विधायकों पर पूरी नजर रखे हुए हैं और विधायकों को ठीक फ्लोर टेस्ट से पहले विधानसभा ले जाया जाएगा। इन तमाम खबरों के बीच सबकी निगाहें जीतन राम मांझी पर टिकी हुई हैं। जीतन राम मांझी अपनी पार्टी के 2 विधायकों को मंत्री बनाए जाने की मांग को लेकर नाराजगी जता चुके हैं। हालांकि उनके बेटे नीतीश सरकार में मंत्री हैं, लेकिन उनकी मांग है कि उनकी पार्टी के एक और विधायक को मंत्री बनाया जाए। बाराचट्टी से उनकी पार्टी के विधायक ज्योति देवी भी खुद को मंत्रिमंडल में देखने की इच्छा जता चुके हैं। उनका तर्क है कि हर बार पुराने मंत्रियों को ही सरकार में शामिल किया जाता है, नए मंत्रियों को आखिर कब मौका मिलेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जीतन राम मांझी का मन डोल सकता है क्योंकि उन्हें राजद की ओर से मुख्यमंत्री पद का ऑफर भी दिया जा चुका है, जबकि शनिवार शाम उनकी विपक्ष के एक नए MLA से मुलाकात भी हुई है। कहा जा रहा है कि विपक्ष के जिस MLA ने मांझी से मुलाकात की है वो लालू यादव के खास है और कोई मैसेज लेकर मांझी के पास पहुंचे थे, जिससे ये माना जा रहा है कि फ्लोर टेस्ट से पहले तेजस्वी यादव बड़ा खेला करने की तैयारी। यात्रा ने पिछले 29 दिनों में 9 राज्यों में न्याय की आवाज बुलंद की है। 14 जनवरी को मणिपुर से शुरू हुई ये यात्रा आज छत्तीसगढ़ पहुंच गई है। हर राज्य में यात्रा का नेतृत्व करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी जनता के जननायक के रूप में उभर कर सामने आए हैं और अब छत्तीसगढ़ में न्याय का परचम लहराकर राहुल गांधी और उनकी टीम उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी। सवाल 80 सीटों का है, इसलिए यूपी कांग्रेस यात्रा के लिए पूरी ताकत से जुटी हुई है। पहली न्याय यात्रा 14 फरवरी को यूपी में प्रवेश कर रही थी और यहां से 11 दिन रहने के बाद ये राजस्थान पहुंचनी थी, लेकिन अब यात्रा के कार्यक्रम में बदलाव हुआ है। यात्रा पश्चिमी यूपी की जगह बुंदेलखंड की तरफ जाएगी। न्याय यात्रा 16 फरवरी से 22-23 फरवरी तक ही यूपी में रहेगी। चंदौली से लखनऊ तक यात्रा अपनी पूर्व योजना के तहत जारी रहेगी। चंदौली में प्रवेश करने के बाद यात्रा वाराणसी की ओर जाएगी और अमेठी में प्रवेश करने से पहले भदोही, प्रयागराज और प्रतापगढ़ से होकर गुजरेगी। रायबरेली और लखनऊ अगला पड़ाव रहेगा। यात्रा 19 फरवरी को अमेठी और रायबरेली को कवर करेगी। यहां राहुल गांधी के साथ सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी यात्रा में शामिल नजर आएंगे। लखनऊ से सीतापुर जाने के बजाय अब ये यात्रा कानपुर और फिर झांसी तक जाएगी, जहां से ये मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी। यात्रा के शेड्यूल में बदलाव की वजह यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा बताई जा रही। को मनवाने के लिए किसान ने एक बार फिर मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा समेत 26 किसान संगठन 13 फरवरी को दिल्ली कूच करने के ऐलान के बाद अब 16 फरवरी को भारत बंद का आह्वान कर रहे हैं। उधर हरियाणा सरकार ने किसानों को रोकने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। आशंका है कि दिल्ली में घुसने के बाद किसान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास के बाहर प्रदर्शन कर सकते हैं। इसके अलावा किसान मंत्रियों और कई भाजपा नेताओं समेत दूसरे अन्य VIP के आवास के बाहर प्रदर्शन कर सकते हैं। किसानों के दिल्ली चलो मार्च को देखते हुए दिल्ली के सीलमपुर इलाके में और हरियाणा के पंचकूला शहर में भीड़ जुटाने की मनाही कर दी गई है। बताया जा रहा है कि 200 किसान संगठन इस प्रदर्शन में हिस्सा ले रहे हैं। पेंशन लाभ तथा MSP समेत कई मांगों को लेकर किसान इस बार दिल्ली में प्रदर्शन की तैयारी में है। वहीं हरियाणा के 7 जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवा को निलंबित कर दिया गया है। वहीं किसान मजदूर मोर्चा के कोऑर्डिनेटर सरवण सिंह पंधेर ने कहा कि हरियाणा में इंटरनेट बंद करना उचित नहीं है। उन्होंने देश भर के किसान मजदूरों को अपील की है कि 13 फरवरी को दिल्ली कूच करें और आर पार की लड़ाई लड़ें। हम अपनी मांगे मनवा कर रहेंगे, हम बातचीत से नहीं भागेंगे। पंजाब के किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा कि हमें बातचीत के लिए कर रहे हो तो हरियाणा के हालात क्यों बिगाड़ रहे हो, पहले ही बैरिगेटिंग क्यों की जा रही है। किसानों की बातों का हल ना हो तो बैरिगेटिंग करनी चाहिए, इंटरनेट बंद कर लोगों को परेशान क्यों किया जा रहा है।